पहले नमाज पढ़ने चलो, नमाज पढ़ने, रोजा रख के नमाज पढ़ते जरूरी है। आपका रोजा है, मार्ट पे क्या लोगे आप? मैं रोजे के बाद सारा कुछ खाऊंगा तो वो बासी हो जाएगा ना, कल फ्रेश नहीं आ लेंगे। चलो पहले नमाज पढ़ने चलो, फिर आप गाड़ी जल्दी जल्दी नमाज के लिए चलो, जल्दी चलो नमाज। शॉर्ट घुटने से नीचे, घुटने से नीचे। तो चलो फिर नमाज के लिए चल रहे हैं। अनाबिया ये आपकी फ्रेंड्स है ना, मुझे छोटी छोटी सामने खड़ी हुई है, ये आपकी फ्रेंड्स है, मैंने देखी है। देखो बुला रही है आपको, जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो। नहीं जाओ ना खेलो, ओहो नमाज तो हो गई है, हम बहुत लेट हो गए, बिना जमात के पढ़नी पड़ेगी। नमाज पढ़ ली, पेंसिल गाड़ी ठंडी हो जाएगी ना, मेरे को अंदर बुला। क्या हुआ? जिसको जाना है वो आ जाए, मैं तो जा रहा हूँ। खटारा गाड़ी है मेरी। हाँ। तो उतर जाओ यहीं पे। मैंने अच्छी है, बहुत अच्छी है। गंदी गाड़ी में, खटारा गाड़ी है मेरी। अंकल देख रहे हैं आपको, आपको। अय्याशी भी इसी में करती हो और बुराई भी इसी की करती हो। अभी ये बच्चे अंदर गए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ इनका। इनके साथ अंदर जाना फजूल है क्योंकि ये अपनी मर्जी से जो चीज इनको लेनी होती है ये अपनी चीज लेते हैं। ये आ गए दोनों। तो घर पे है ना चम्मच। चलो आपका रोजा है इसलिए मैं थोड़ा आगे छोड़ देता हूँ। चलें जी, बच्चा पार्टी का काम तो हो गया, आप शुरू करते हैं आज की रूटीन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अरशानिस्तान व्लॉग्स। मेरा नाम अरशान अली है और अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपने एक दोस्त के घर पे। वहाँ पे मेरा एक छोटा सा शूट है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा कि मैं एज एन इन्फ्लुएंसर भी काम करता हूँ, और जो लोग नहीं करते मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पे कर लो यार। तो चले अभी हम चलते हैं अपने, मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और वहाँ पे सकलैन है, मेरे एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन थी, उसका एक शूट करना है, इट्स अ नाइट क्रीम, उसकी आप वीडियो इंस्टाग्राम पे देख लेंगे, उसका रिव्यू भी आप इंस्टाग्राम पे देख लेंगे। फिलहाल अभी उसका शूट है, वहाँ पे चलते हैं, उसका आपको BTS वगैरह भी दिखाता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे ऑफिस, ऑफिस में थोड़ा छोटा सा काम है और उसके बाद जाना है मुझे हेयर कट के लिए, बिकॉज ईद जब आ जाती है तो सैलून में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मुझे थोड़ा सा अपने बालों को ट्रिम वगैरह करवाना था, मैंने एक रेफरेंस भी निकाला हुआ, मैं हेयर ड्रेसर को वहाँ पर दिखाऊँगा, स्टाइलिस्ट को, वो अगर उसको देखते हैं कि कितना ज़्यादा फॉलो करके मेरा हेयर स्टाइल वैसा बनाता है या नहीं। तो चलें इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये बैठा है सकलैन, तो चलें शूट करें। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें करनी है और शूट को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ऐसी से लाल हो यार, गर्मी हो रही है, पसीना आया हुआ मुझे। तुम्हारा रोजा है, अगर एसी चलाया गर्म सर्द हो जाएगा, तुम्हारा वो खराब हो जाएगी तबीयत, इस वजह से तुम्हारे लिए हमने एसी बंद करा है। मेरे लिए एसी खोलो, मुझे गर्मी लग रही है। नहीं नहीं, तुम्हारी गर्मी लगने से ज्यादा तुम्हारी सेहत इम्पोर्टेंट है। गर्मी से मर जाऊं मैं भले। क्या कर रहे हैं आप? क्रीम लगा रहे हैं अभी, तो इसका बिफोर बनेगा, उसके बाद इसका आफ्टर बनेगा, फिर उसका एडिट बनेगा, फिर आप इंस्टाग्राम पे देखना इसे। ये देखें जी, मैंने माहौल बनाया है, यहाँ पे मैंने लाइट ऑन की है, वैसे तो बाहर दिन ही है अभी, लेकिन ये जो क्रीम मास्क है वो ओवरनाइट यूज होती है, इसलिए मैंने एक माहौल बनाया है। तो शुरू करते हैं हम शूट को। ये पार्ट टू है, पार्ट वन मैंने वॉशरूम में कर लिया था, ये पार्ट टू है उसका। जब शूट और होता है तो काफ़ी फनी लगता है, तो एडिट होने के बाद ही इसकी सही शक्ल नजर आती है, तब आपको मजा आता है। शूट हो गया, ये वाला पार्ट डन हो गया, बाहर चलते हैं। ये सब भी करना पड़ता है। ये चादर फाड़ दी है ना तुमने? नहीं, फटी हुई थी यार ये। पार्ट है। ओके। हाँ। सही ग्लो कर रही है स्किन? ग्लो नहीं कर रही। ग्लो नहीं कर रही, इतनी मैंने ओवरनाइट मास्क लगाया। ओवरनाइट तो नहीं लगाया ना तुमने?
हाँ दो एक घंटे से तो कोई नहीं होता फर्क, बट ये कि मैं ओवरनाइट लगा के चेक करूंगा इसको। इतने महंगे फूल लगे हैं इधर तो, ये बाहर तो जाओ तो कोई 3,000 रुपये से कम नहीं है। पहले हम ऐसा करते हैं कि सैलून चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं रश है कि नहीं है। आपको पता है फिर वीकेंड पे ना रश हो जाता है, तो पहले वहाँ चल के देखते हैं कि क्या लंबी कोई लाइन तो नहीं लगी हुई, और उसके बाद ऑफिस से सिर्फ लैपटॉप उठाना, फिर और लैपटॉप उठा लेंगे। वाह यार कितनी प्यारी गाड़ी है, लेकिन कराची के वेदर के हिसाब से ठीक नहीं है, यहाँ इतना पोल्यूशन होता है, धूप होती है। खैर हम पहुँच गए सैलून और देखते हैं अंदर चल के कि कोई लाइन तो नहीं लगी हुई, हम कितनी लंबी बैठेंगे। ये है वो लुक का रेफरेंस जो मुझे करवाना है, अपने हेयर ड्रेसर को दिखाना है कि यार मेरी लुक ऐसी कर दो, तो देखते हैं कि वो उसको अचीव कर पाता है या नहीं, होपफुली तो कर ही लेगा। भाई वीकेंड है और ऐसा हो नहीं सकता कि आप सैलून जाएं और आपको पहला अपॉइंटमेंट मिल जाए। जिस हेयर स्टाइलिस्ट से मैं करवाता हूँ उसका भी आधे घंटे का वेट है, तो मैंने कहा मैं ऑफिस चले जाता हूँ, अभी मैं ऑफिस आ गया हूँ, आधे घंटे बाद दोबारा जाऊँगा। कराची में भी फाइनली समर आ गया है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और हम ऑफिस पहुँच गए हैं और सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक गया हूँ फाइनली, पर गर्मी इतनी है यार। अरे मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं मेरा न्यू टॉय, यस दिस इज़ माय न्यू लैपटॉप। एक्चुअली मेरे पास पहले ये वाला था, ये वाइटी था, अब मैं अपग्रेड हो चुका हूँ और नया लैपटॉप पे चला गया। मेरे साथ अभी एक छोटा सा प्रैंक हो गया है, ये नया कैमरा जिससे मैं अपना ब्लॉग बना रहा था, मैंने इसमें लगाया कि डेटा ट्रांसफ़र करूँ, और जब मैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए USB लगाने लगा तो यहाँ तो भैया USB का पोर्ट ही नहीं है ना, इधर है। अलमीरा की जो न्यू कलेक्शन है उसके लिए मैंने एक फ़िल्टर बनाया था इंस्टाग्राम के ऊपर, वो अभी मैं देख रहा हूँ कि वो प्रूव हुआ कि नहीं इंस्टाग्राम की तरफ। एज यू कैन सी ये अभी भी रिव्यू में है, तो ये 24 आवर और लगेंगे इसको अप्रूव होने में, फिर आप लोग देखिएगा अलमीरा के पेज पे। ये तो अभी रिव्यू में ही है, लेकिन हम लेट हो रहे हैं सैलून के लिए, तो इससे पहले कि वो किसी और के साथ बिजी हो जाए चले चलते हैं। ऑफिस का काम कम्प्लीट हो चुका है और अभी चलते हैं सैलून। फिर से पहुंच गए सैलून हम, तो अच्छा बहुत ज्यादा नहीं करना है इसको, थोड़ा सा ही करना है। मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ अभी। पहले हेयर वॉश होगा, हेयर वॉश के बाद कटिंग होगी। वैसे मेरे पास टाइम तो बहुत कम है, हेयर वॉश का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी हेयर कट खराब हो, इसलिए वॉश करवा ही लेता हूँ। पता नहीं क्यों सैलून के शीशे में देख के दिल नहीं करता कि मैं बाल कटवाऊं, लेकिन अब मैं आ गया हूं। वैसे आप लोगों को मेरे लंबे बालों वाली लुक ज़्यादा पसंद है कि छोटे बालों वाली, मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे लंबे बाल पसंद हैं, लेकिन इट्स बिन 3-4 ईयर्स, मुझे 3-4 साल से मेरे बड़े ही बाल हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सी लुक को चेंज करूँ, और समर भी है, थोड़ी गर्मी है, उस हिसाब से यू नो छोटे बाल अच्छे लगते हैं। तो खैर आप मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद है। ये ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है लुक मेरी, आई होप के टर्न आउट अच्छे से हो जाए। जितनी मुझे देर लगी है मुझे लगा ज़्यादा बाल कट रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से ही बाल कटे हैं। मुझे तो अपना हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, अभी काफ़ी कूल लग रहा है, लेकिन ये हवा को अच्छा नहीं लगा, शायद बाहर निकलते ही सारे बाल नूडल्स की तरह मेरे मुँह पर कल्टी कर दिए। सैड लाइफ यार, लेकिन चलो अपनी खेती ये फिर आ जाएगी। हाँ जी, तो हेयर कट हो चुका है, आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट में बताएं। और असल में होता ये है कि जैसे आप रेफरेंस देखा 100% वैसे होते नहीं, क्योंकि हर बंदे के बालों का टेक्सचर डिफरेंट होता है, उसकी लेंथ डिफरेंट होती है, वॉल्यूम डिफरेंट होता है, इस वजह से 100% वैसा हो नहीं पाता, लेकिन जितना मैंने दिखाया था उसने उसके करीब करीब कर लिया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। मेरे ब्लॉग्स को बहुत सारे लोग दिल्ली इंडिया से देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। मेरी तो यही दुआ है कि यार ये जो भी पॉलिटिकल मसाइल हैं हम दोनों कंट्रीज के दरमियान ही ख़त्म हो जाए, और हम लोग एक दूसरे के यहाँ ट्रैवल कर सकें, एक दूसरे से मिल सकें।
तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको थम्स अप दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय द वे कल के व्लॉग में मैं इनवाइटेड हूँ एक बीच के इफ्तार पे और वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे घर से कॉल भी आ रही है, इफ्तार का टाइम हो गया है तो आई हैव टू गो, मुझे फ़ौरन से जाना होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।